के 10% से खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, जिंदाबाद कर दीजिए। सेवेंथ पे फिक्सेशन का अधिसूचना जारी की हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक भी शिक्षक ऐसे नहीं है जिनका एक मंथ का भी वेतन भुगतान सेवेंथ पे के हिसाब से आज तक हुआ हो जी। और इतने दिनों से हम लोगों को आश्वासन का घुट्टी पिलाया जा रहा है, अभी कहा जा रहा है इस ऑफिस में कि मैक्सिमम लोगों का सर्विस बुक संधान हो गया, लेकिन बीआरसी में पता होता है कि आप लोगों का सर्विस बुक संधान नहीं हुआ है, अभी तो सर्विस बुक में ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, अभी आप लोगों का सेवेंथ पे के हिसाब से वेतन बन के नहीं जाएगा। अब यह कहाँ घाल मेल है, पिक एंड चूज की जो नीति अभी अपनाई जा रही है, ऐसा क्या गड़बड़ी है, मंशा क्या है विभाग की जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अंत में हम लोगों ने लगातार डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, विभाग में भी ज्ञापन दिया, एसडीओ साहब को भी ज्ञापन दिया, वार्ता भी हुई, जनप्रतिनिधि के द्वारा भी पहल किया गया, जिससे कि डीएम साहब के द्वारा वार्ता किया गया और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के अंदर में आप लोगों का वेतन भुगतान हो जाएगा सब समय और सेवेंथ पे के हिसाब से। लेकिन हमको लगता है कि डीएम साहब के ही बात की बातों में भी अब सत्यता हम लोगों को नहीं जान पड़ती। जिंदाबाद।